कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोचिंग सेंटरों को खोले जाने की मांग को लेकर कोचिंग टीचर ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कोचिंग संचालकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से 1 वर्ष 9 महीने से कोचिंग संस्थाएं बंद हैं, जिसके कारण संस्थाओं से जुड़े शिक्षक भूखमरी के कागार पर आ गए हैं। जहां एक तरफ सभी मॉल, जिम, बाजार और पर्यटन स्थल अब खुल चुके हैं, वहीं स्कूल और कोचिंग संस्थान आज भी बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से एक तरफ विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का बहुत नुकसान हो रहा है तथा कुछ शिक्षक अपने जीवन यापन के लिए या तो किसी दुकान पर नौकरी कर रहे हैं या तो फिर फल सब्जी बेच रहे हैं। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कम से कम कक्षा 9 के ऊपर के बच्चों के कोचिंग स्कूल को खोलने की व्यवस्था शुरू कराएं, जिससे शिक्षक अपना जीवन यापन कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोचिंग टीचर ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा, पूरी सर इस समय यहाँ पर जितने भी शिक्षकगण उपस्थित हुए हैं, हम सभी लोग प्रशासन से विनम्र निवेदन करने आए हैं और हमारा विनम्र निवेदन यही है कि जब सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, सिनेमा हॉल खुल गया है, सिटी मॉल खुल गया है, जिम, स्विमिंग पूल, सारे संस्थान को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, तो हमारा प्रशासन से निवेदन यह है कि हम शिक्षक बंधुओं पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। अभी 2 साल से, पिछले साल से लेकर इस समय तक, अभी शिक्षण संस्थान अपने पिछले परेशानियों से अभी उबर नहीं पाए थे, फिर ये परेशानी आ गई। सारे शिक्षण संस्थान जो हैं अभी अपने किराए को लेकर परेशान हैं, साथ ही साथ बिजली के बिल को लेकर परेशान हैं और साथ हमारे जो भी कोचिंग संस्थान में शिक्षक हैं, सभी लोग अपनी पूरी सैलरी नहीं पा रहे हैं। अभी हम सिर्फ शिक्षक ही नहीं परेशान हैं, हमारे साथ साथ हमारा विद्यार्थी भी परेशान है। आने वाले समय में अभी जो जेई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ऑनलाइन के भरोसे ये बच्चे अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है और ज़रूरत है अपने शिक्षक की, जिससे सामने आ करके वो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लें। आप कह रहे हैं ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, अरे वो गाँव में बैठा हुआ जो विद्यार्थी है वो कितने ऑनलाइन से जो है क्लासेज अटेंड कर पाएगा, आप जरा उनके बारे में सोचिए। वहां पर क्या पूरा नेटवर्क मिल जा रहा है? नेटवर्क तो जो शहर के लोग हैं, शहर में जो हमारा विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, उनको मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अभी पूरी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो हमारा प्रशासन से यही विनम्र निवेदन है, हम निवेदन कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर जितने भी शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, सारे शिक्षक जो है अवसाद से घिरे हुए हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अपना शिक्षा छोड़ करके शहर में ठेला, मतलब ऐसे निम्न स्तर के कार्य करने पर उतारू हो गए हैं। आखिर ये क्या है, इसकी वजह क्या है? प्रशासन जरा इन चीज़ों पर भी विचार करे। जो शिक्षक अपने कलम से भारत का भाग्य बनाता है, आज वही शिक्षक एक निम्न स्तर कार्य करने पर मजबूर हो जा रहा है। प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी इन समस्याओं का समाधान करें। शिक्षा संस्थान को कम से कम, सभी छोटे बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 18 वर्ष से ऊपर हैं जो हमारे सभी बच्चे जो वैक्सीनेटेड हैं, उन लोगों को परमिशन दिया जाए। भाई शिक्षक तो सारे वैक्सीनेटेड हैं, हम सभी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो हमारे बच्चों पे भी ध्यान दिया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो चुके। और हम लोग इस समय जो आर्थिक रूप से अवसाद से घिरे हुए हैं, हमारी समस्या का भी समाधान हो सके। तो मैं अंत में प्रशासन से बस यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, हम लोगों की संस्थाएँ भी खोल दी जाएँ, ताकि सुचारू रूप से हम लोग का भी जीवन आगे चल सके। धन्यवाद।